आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग एयर कूल्ड इंजन कैसे कार्य करता है, एयर कूल्ड इंजन क्या होता है तथा एयर कूल्ड इंजन की इफिशियंसी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, यानी कि एयर कूल्ड इंजन का जो दक्षता होता है, कूलिंग करने की जो क्षमता होती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अतः ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कूलिंग सिस्टम दो तरह का होता है, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, एयर कूलिंग सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये भाग है, इसको हम लोग कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड। ये क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन से तथा ये पिस्टन से, और ये पिस्टन को ऊपर नीचे करने में मदद करता है, करवाता है, ठीक है। स्ट्रोक पूरा होने से इस भाग में फ्यूल को जलाया जाता है, जहां पे फ्यूल जलता है उस भाग को हम लोग कहते हैं कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर हिंदी में अगर कहेंगे तो दहन कक्ष, अर्थात जिस भाग में फ्यूल जलता है, यानी कि अगर ब्लास्ट होगी, आग लगेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगी, यानी कि इस भाग में इंजन का सबसे अधिक गर्म भाग ये वाला भाग होगा, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर लाइनर हो गया, ये भाग, ये सब जो है उसको हम लोग फिन्स कहते हैं, फिन्स, ठीक है। ये सिलेंडर हेड हो गया, सिलेंडर हेड, इधर वाल्व हो गया, यानी कि समझ गए ये इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है, एयर कूल्ड इंजन है। अब एयर कूलिंग सिस्टम क्या है? एयर कूलिंग सिस्टम सिंपल सिस्टम है, वैसा सिस्टम जिसके माध्यम से इंजन के हीट को वायुमंडल में ट्रांसफर करते हुए इसके हीट को नियंत्रित किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो इंजन को वर्किंग तापमान पर बनाए रखने के लिए एयर का प्रयोग किया जाता है, और इस सिस्टम को एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब एयर कूलिंग सिस्टम की दक्षता किन बातों पर निर्भर करती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इसकी दक्षता निर्भर करती है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले तो फैक्टर ये है आपका फिन्स, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर अगर करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले है मेटल ऑफ फिन्स, मेटल ऑफ फिन्स। फिन्स किस धातु का बना हुआ है? जनरली कॉपर का और एल्यूमिनियम एलॉय का बना रहता है। अगर कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर हीट को जल्दी कंडक्ट करके ट्रांसफर कर देता है, और एल्यूमिनियम एलॉय कॉपर के अपेक्षा कम कर पाता है। तो अगर कॉपर का है तो आसानी से कर देगा, तो मेटल अगर कॉपर का हो तो अच्छा है। उसके अलावा सेकेंड क्या है? सेकेंड एरिया ऑफ एयर कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ एयर कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ एयर कॉन्टेक्ट क्या है, यानी कि फिन्स की लंबाई कितनी है। देखे होंगे कंबस्टन चैम्बर के पास गाड़ी में, देखे होंगे लंबा लंबा फिन्स रहता है हेड के पास, ठीक है, ऊपर में, फिर छोटा होते जाता है। इसी तरह सिलेंडर लाइनर में भी नीचे की तरफ छोटा होता आता है। क्यों होता आता है? क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा बनती है नीचे की अपेक्षा, इसीलिए एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एयर का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए फिन्स को लंबा बना दिया जाता है, ठीक है। अब इस थर्ड क्या है? अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर यानी कि जो
गाड़ी के केस में अगर हम लोग ड्राइव करते हैं तो किस अमाउंट से, किस स्पीड से इसके ऊपर हवा टकरा रही है। अगर अधिक स्पीड से हवा टकराएगी तो जल्दी इसके हीट को ट्रांसफर करके वायुमंडल में डिसिपेट कर देगा। अगर कम हवा टकराएगी तो उस हिसाब से इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड केस होता है स्टैटिक इंजन में। कोई कोई इंजन में, स्टैटिक इंजन में भी एयर कूल्ड सिस्टम लगा रहता है। तो जो स्टैटिक इंजन होता है उसमें फ्लाई व्हील के साथ ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लोअर से जितना हवा इसमें ब्लो करेंगे उस अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर ब्लोअर का कोई फिन्स टूट गया है, कोई उसका ब्लेड कार्य नहीं कर रहा है तो हवा का अमाउंट कम हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अब चौथा हम लोग हवा का हीट ऑफ एयर, हीट ऑफ एयर। अगर हवा गर्म है, उसका तापमान जैसे गर्मी के दिनों में हवा ऑलरेडी 45 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो उस कंडीशन में इसमें जो हीट निकलने की जो क्षमता होगी हवा में ट्रांसफर होने की कम हो जाएगी, क्योंकि हवा जो कूलिंग एलिमेंट है एयर ही गर्म है। तो उस कंडीशन में पूरी तरह हीट निकलने में परेशानी होती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर ज्यादा गर्म इंजन चलेगा तो इसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जितना पावर तैयार करना चाहिए उतना इंजन तैयार नहीं कर पाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी सिस्टम हो कूलिंग का, इंजन वर्किंग टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर पाता है। इसीलिए इंजन का वर्किंग टेम्परेचर बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। अब थर्ड हम लोग डक्ट, डक्ट पोजीशनिंग, डक्ट इसमें लगाते हैं। किसी किसी इंजन में देखे होंगे हवा को अच्छी तरह फिन्स पे ब्लो करने के लिए आगे से डक्टिंग कर देते हैं, यानी कि हवा उसमें घुसेगा और प्रॉपर एंगल से इंजन के हेड और ब्लॉक में लगते हुए उसके हीट को लेकर के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो डक्ट की पोजीशनिंग होगी, डक्ट सही से लगा रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए और बराबर हवा को इंजन के चारों तरफ फैला दे, इस तरह से एंगल बनाए कि हीट आसानी से निकल सके, ठीक है। अब छह नंबर क्लीननेस ऑफ फिन्स, क्लीननेस ऑफ फिन्स, इसका अर्थ है ये साफ कितना है। कोई भी चीज रहेगा एयर कूलिंग से, मान लिया कि चलते चलते इंजन में देखे होंगे कि इस पे अगर ऑयल गिर गया, तेल अगर चिपक गया या इस पे धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो धूल मिट्टी लग जाने के केस में इसको साफ कर देना चाहिए। अगर साफ नहीं करेंगे तो हीट डिसिपेट नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा हवा में। तो इसके ऊपर आपको डिपेंड करता है फिन्स पर गंदगी है कि नहीं है, यानी कि फिन्स हमेशा साफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण एयर कूल्ड इंजन उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अपने तापमान को बनाए रखता है। बड़े इंजनों के केस में या मल्टी सिलेंडर इंजनों के केस में बड़े बड़े फिन्स का निर्माण करना संभव नहीं होता है, तो बड़े इंजनों के केस में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह मोस्टली बाइक जो देखे होंगे या छोटे इंजन हैं उसमें ही एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जाने एयर कूल्ड इंजन क्या होता है और इसकी जो क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, किन बातों पर डिपेंड करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आईटीआई टेक्निकल मास्टर के माध्यम से वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।